हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आंगी स्टाइल ब्लाउज जो सेखावटी क्षेत्र में पहना जाता है, और ये 32 इंच नाप का ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं। आज 32 इंच वाले में हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13, और हमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। लंबाई में ब्लाउज 13 का है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, चाहे किसी भी नाप का ब्लाउज हो। ये हम फ्रंट वाले हिसाब कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम 15 इंच का इसमें इसकी लंबाई लेंगे ब्लाउज की। और ये 32 इंच नाप का ब्लाउज है तो अपन शोल्डर लेंगे इसमें 5 इंच का। जो हो गया हमारा 5 इंच का शोल्डर। और आर्म होल कटिंग इसमें अपन लेंगे 5.5 इंच। साढ़े पाँच इंच का हमें यहाँ पे आर्म होल लेना है। ये हो गया हमारे 5.5 इंच का आर्म होल। अब 32 इंच का हमारा सीना है तो उसके अकॉर्डिंग हम 8 पे निशान लगाएंगे, एक मतलब 32 का है तो फोर्थ पार्ट पे। तो ये हो गया अपना 8 पे निशान लगा दिया है। और 2 इंच इसमें अपन मार्जिन का रखेंगे। अब इनको मिला देते हैं। कमर है इसकी, इस ब्लाउज के नाप की 26, तो अपन साढ़े छः पे निशान लगाएंगे और 2 इंच अपन इसमें मार्जिन का रखेंगे। इसको अपन मिला देंगे। वन इंच पे अपन को यहाँ पे निशान लगाना है। ये हमारा डॉट यहाँ पे लगा दिया, और फिर इसको यहाँ से ऐसे टच कर देना है। जो हमारी फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें इसे मिलाना है। ये हो गया हमारा यहाँ से। और आंगी स्टाइल ब्लाउज है तो इसका गला फ्रंट वाला हमें डी पे रखना पड़ेगा, तो 8 पे मैं निशान लगा रही हूँ, एक निशान 8 पे लगा रही हूँ। और यहाँ से हमारा 2.5 पे जाएगा, ये 2.5 इंच पे, और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे इसको मिला देना है। हो गया। और इसमें अपन अब लेना है 6 इंच पे एक निशान लगाना है, और वहां से हमें ये वाली चीज ऐसे करना है, इसको ऐसे घुमा देना है। 6 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है, फिर इस निशान को ऐसे घुमा देना है, और थोड़ा इसमें गोलाई लेके कटिंग करनी है इसकी, थोड़ी सी गोलाई लेनी है। ये हमारा गला आ गया है आगे का। अब हमें इसमें आंगी स्टाइल वाले की कटोरी कट करनी है। जहां हमने ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर से हमें 2 इंच जो हमारा यहाँ निशान है यहाँ पर एक ये निशान रखना है, और जो ये वाला निशान है
इससे यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर रख एक निशान लगाना है और यहाँ हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ये वाला क्योंकि हमारी कटोरी यहाँ तक ही आएगी। हमारा अगर ये 8 इंच का आ रहा है सीना तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा और एक हिस्सा हमारा इधर आएगा। यानी जैसे 9 36 का सीना हो तो जैसे 9 है 9 में हमारा 3 इंच यहाँ आ जाएगा 6 इंच यहाँ आ जाएगा। वैसे ये 8 का है तो हमारा 2.5 इंच से एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक हिस्सा हमारा इधर आएगा और 2 हिस्से हमारे इधर आएंगे। 2 हिस्से अपन को इधर छोड़ना है। पॉइंट टू हमें ये गले की साइड से गिराना है पॉइंट टू के अकॉर्डिंग। और फिर हमारा 32 इंच का सीना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 12.5 पे एक निशान लगाना है। ये हमारा आएगा 3.5 के समथिंग। और आगे का हिस्सा यहाँ पे अपन लगाएंगे, यहाँ पे 3.5 का हुआ है ये क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट कट करना है। और यहाँ पे हम लगाएंगे 4 पे, यहाँ 3.5 का है यहाँ पे 4 का आएगा। और फिर इन दोनों निशानों को ऐसे जॉइन करके ये हमारे ब्लाउज का बेल्ट कटिंग हो गया है। और यहाँ से अपन को वैसे कटिंग नहीं करनी है, अब इन डॉट को हमें यहाँ मिलाना है। यहाँ से एकदम स्ट्रेट लेना है। ये हो गई है हमारी कटोरी। ये बचा है हमारे पास 5 इंच के समथिंग, तो एक निशान हमें लगाना है 2.5 इंच पे, 2.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर से। और यहाँ पे भी अपन को लगाना है 2.5 इंच के समथिंग क्योंकि ये 2.5 के समथिंग बचा था, 2.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा था। ये हमारे बीच का हिस्सा है। और यहाँ जो अपन ये वाला पॉइंट लगाएंगे वो लगाएंगे ऊपर से 9.5 या 10 पे, तो ये मैं 9.5 पे लगा रही हूँ। ये हम 32 इंच का जो सीना होता है उसमें अपन या तो 9.5 पे लगाए या फिर 10 पे लगाए, दोनों के बीच में लगा सकते हो आप। तो मैं 9.5 पे लगा रही हूँ यहाँ पे। अब इस वाले डॉट को इसको जोड़ लेते हैं और यहाँ से अपन को इसको ऐसे घुमाना है गोल, थोड़ी सी गोलाई देके। ये थोड़ा सा हिस्सा हमें यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे गोलाई दे देनी है इसको हल्की सी। ये हो गया हमारा खरमा तैयार। अब जो ये निशान हमने यहाँ लगाया है 2.25 के समथिंग, वो निशान एक हमें यहाँ पे भी लगाना है कि यहाँ पे अपन को स्ट्रेट लाइन खींचनी है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमने टाट पर कटिंग करी है वो हम कपड़े पे कटिंग करके देखेंगे कि इसको कैसे रखना है। ये हमारा गले के साइड है और यहाँ से अपन को बंद रखना है क्योंकि बैक साइड हुक का है ब्लाउज, तो ये वाला हमारा हिस्सा यहाँ से जॉइंट वाला हिस्सा आएगा, इसको हमें ऐसे रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। बंद कर
हल्का सा तिरछा रखना है और इन दोनों में हमें पौने एक इंच का गैप रखना है दोनों के बीच। रखना भी हमें इसको हल्का सा तिरछा है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंच का मार्जिन चाहिए। ये हमारा एक इंच का मार्जिन आ गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रख लेते हैं। इस तरीके से हमें रखना है और एक इंच का मार्जिन हमें इसमें नीचे रखना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक टक आएगी इसमें पूरा, वो हमें 2.5 इंच के लेनी है। 32 इंच सीना है तो हमें 2.5 इंच की टक तो मिनिमम लेनी ही है और 1/2 इंच हमारा जॉइंट में बेल्ट जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इस वाले पार्ट में हमें 3 इंच लेनी है, ये हमने ले लिया और 1 इंच हमारा इधर आएगा। अब इनको जॉइन कर लेते हैं। देखिए ये हिस्सा हो गया। वो जो हमारा गले की साइड से है ये इधर हमें गले में इधर मार्जिन नहीं रखना है, ये सीधा ऐसे करना है और इधर हमें हल्का हल्का मार्जिन रखना है ताकि हम इधर से जो हमारा वाला पार्ट उधर वाला पार्ट जॉइन करेंगे तो उसमें चला जाएगा। बीच वाला हिस्सा हमारा मार्जिन का है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाए। अब इसमें हमें टक के लिए हमें 1 इंच इधर एक निशान लगाना है और 1 इंच हमें इधर निशान लगाना है। और जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ में इसे करके अच्छा ये हमारी टक आ जाएगी। और अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक हुक वाला ब्लाउज है तो यहाँ से हम जहाँ से ये कपड़ा जॉइंट है उसी हिस्से से हमें कटिंग करनी है, ऐसे वाला हिस्सा हमें नहीं लेना है वरना बीच में हमें एक सिलाई लगानी पड़ेगी।